हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी चैनल पे गार्डनिंग विद एल्बिका। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बेलीफ का पौधा है। हमारे यहाँ तो हर साल बारिश के मौसम शुरू होते ही ऐसे पौधे देते हैं। हम जो भी पौधे ले सकते हैं, फ्रूट्स का या फूलों का या ऐसे स्पाइस का पौधे ले सकते हैं। मेरे पास बेलीफ का पौधा नहीं था, पहले मेरे पास पौधा था लेकिन वो सूख गया है, ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैंने ये बेलीफ का पौधा लेकर आई हूँ। ये तो बिल्कुल फ्री में, पैसे नहीं दिया है। वैसे भी मैं पैसे दे के कोई पौधे ख़रीदती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये गुलाब का पौधे की कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगाए थे, वो सक्सेसफुल भी हो गया है। ये मुझे निकाल के किसी और पॉट में भी लगाना है। ऐसे एंथोरियम के पौधे भी बहुत सारे हो गए इसमें, ये भी मुझे निकाल के दूसरे पॉट्स में लगाऊँगी, बहुत सारे हो गए हैं। ये हम मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अलमंडा और मुसंडा की कटिंग्स लेकर आई हूँ मम्मी के घर से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये टर्टल वाइन का छोटा सा कटिंग्स लेकर आई थी मैं पड़ोसी से। और ये देखिए, इसकी भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। वैसे भी हम बारिश के दिनों में कोई भी कटिंग्स लगाए तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक ओलियस का सिर्फ एक ही वैरायटी का है मेरे पास, और मैंने इसमें से बहुत सारे कटिंग्स लगा के बहुत सारे पौधे बनाया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे पॉट्स में लगाए हैं मैंने। पहले छोटा सा एक ही कटिंग्स लगाए थे मैंने 2-3 साल पहले, अभी देखिए बहुत सारे हो गए मेरे पास। पिछले हफ्ते भी मैंने इसकी कटिंग्स लगाए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर दी है, क्योंकि तेज़ हवा से सारे पौधे नीचे गिर जाते थे, इसीलिए मैंने सारे पौधों की प्रूनिंग कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पूरे इंडोर में था एंजॉय पोथोस, इसकी ग्रोथ ही रुक गया था, इसीलिए मैंने ला के इसको बारिश में रखा है। सारे पौधों को बारिश के पानी मिलना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, बारिश के पानी से जल्दी ग्रोथ हो जाता है, इसीलिए मैंने ये पौधा लाके बारिश में रखा है, नहीं तो पूरे इंडोर में था ये पौधा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तुलसी का पौधा पूरा सूख गया था, मैंने इसकी पूरी प्रूनिंग कर दी। और इसमें देखिए और भी सूखे हुए स्टेम्स हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।